हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक नया फीचर जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है। क्या यह नया फीचर है, कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको नया फीचर बताने वाला हूँ। वो है यहाँ पर, जैसे गैलरी पे जाएंगे, गैलरी में जाने के अगर आप कोई फोटो या वीडियो किसी को शेयर करते थे, यहाँ पर अगर आप शेयर करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक क्विक शेयर का ऑप्शन मिलता है। आपको पता होगा ये क्विक शेयर का ऑप्शन काम कैसे करता है। अगर आप किसी सैमसंग टू सैमसंग के गैलेक्सी में अगर आप कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बहुत इजीली क्विकली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें एक नया लेटेस्ट अपडेट आया और नए अपडेट के साथ कमाल के नए फीचर वहाँ पर एड ऑन किए गए। कैसे, तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पर। यहाँ जाना है मेन्यू पर, यहाँ जाना है अपडेट्स पर। अपडेट्स में जाके देखेंगे तो आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा या नया अवेलेबल अपडेट आपको मिल रहा होगा सैमसंग क्विक शेयर। ये प्री इंस्टॉल एप्स रहती है बट आपको इसको अपडेट करना रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे दो नई चीज़ें यहाँ पर एड ऑन की गई है। साथ में इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 1 नवंबर 2022 को इसको रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 13.3.0.18। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दो नए फीचर को एड ऑन किया गया है। मेनली चेंज द कलर ऑफ द डिवाइस आइकन, डिस्प्ले क्वाइट, डिस्प्ले गाइड वैन कॉपिंग लिंक, डिस्प्ले गाइड वैन कॉपिंग लिंक। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं। अब कैसे ये वर्क करेगा वो आपको बता दूँ। एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले जो फीचर लिखा है चेंज द कलर ऑफ द डिवाइस आइकन, मतलब कि जो अभी डिवाइस का जो कलर आ रहा है या क्विक शेयर का, जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो वो कलर थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा। जैसा कि आपने अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर सेट करते टाइम कलर ऐप आइकन लगाया होगा, सेम उससे हल्का हल्का मिलता जुलता सेट हो जाएगा। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं कि क्या नया अपडेट है और कैसे इसको बस यूज कर पाएंगे। थैंक यू। तो फाइनली हो चुका है दोस्तों अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलरी पे। गैलरी में आने के बाद मैं आपको कोई अपनी दूसरी फोटोज पे ले आया, यहाँ पर शेयर पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे जो आइकन का कलर है थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा ये डिफरेंट हुआ है। यहाँ पर अब नया चीज़ क्या है, ये यहाँ पर नया पार्ट ये है कि जैसे ही आप क्विक शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको स्कैन डिवाइस में मिलेगा शेयर टू नियर बाय गैलेक्सी डिवाइस का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा और ये आपको इजीली मिल जाएगा और किसी भी अपने सैमसंग गैलेक्सी में आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको क्विक शेयर का ऑप्शन को ऑन करना है, यहाँ पर डिवाइस का नाम आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और डेटा आपका क्विकली ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर नया चीज़ क्या है, जैसा कि वहाँ पर लिखा था आप देखेंगे वहाँ नया चीज़ क्या लिखी हुई थी कि डिस्प्ले गाइड वैन कॉपिंग लिंक, डिस्प्ले गाइड मिलेगी आपको वैन कॉपी लिंक। यहाँ पर क्या होगा, आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप कोई फाइल को, जैसे कि मान लो गैलरी पे आया, यहाँ शेयर पे गया, यहाँ क्विक शेयर पे क्लिक करा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर नॉन गैलेक्सी यूज़र को आपको कोई डेटा भेजना है या वो आपके पास में है या नहीं है, थोड़ी दूर है, तो आपको अगर वो डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप एक लिंक बना के उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत ईजिली वो ट्रांसफ़र करके वहाँ पर एक्सेस कर सकता है। लाइक मुझे ये फ़ोटो भेजना है, ठीक है, मैं आया, मैंने इसका एक कॉपी लिंक बना लिया। जैसे ही मैं लिंक बनाऊँगा तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा लिंक कॉपी करके मिलेगा आपको। जैसा कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर पॉपअप नोटिफिकेशन, जो कि पहले नहीं आती थी, अभी नोटिफिकेशन आपको मिलने लगी है लिंक कॉपीड, पेस्ट द लिंक इन द ऐप वेर यूर वांट टू शेयर। आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा और आपको उस पर ओके कर देना है। उसके बाद क्या होगा, आपको एक नोटिफिकेशन आएगी और वो फोटो आपकी सैमसंग क्लाउड में सेव हो जाएगी, फोटो या वीडियो जो भी चीज़ हो। अब वो क्या होगा, आप जिस बंदे को ये भेजेंगे, लाइक मुझे किसी को मैसेज ही करना है, मैं मैसेज पे आया, मैसेज पे आने के बाद मैंने यहाँ पर, अब मैं आया मैसेज पे, मैंने इसको यहाँ पर शेयर किया, तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। आप देखेंगे ऐसा मैसेज जाएगा और वो उस लिंक पे क्लिक करके उस फोटो या वीडियो जो भी चीज़ है उसको एक्सेस कर सकता है। ये तो हो गया नॉर्मल सा, ठीक है, ये तो सबको पता है। यहाँ पर आप चीज़ क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप इसको कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तो आ ही रहा है, यहाँ नोटिफिकेशन तो आपको ऊपर से आ ही रहा है। उसके बाद आपको एक चीज़ ऑप्शन दे दी गई है शेयर लिंक यूजिंग ऐप, तो आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं किस किस ऐप में आपको ये शेयर करना है, और या फिर आप QR कोड के थ्रू भी सेव कर सकते हैं। आप इस QR कोड को किसी को भेज दो या फिर किसी को स्कैन करा लो तो QR कोड के थ्रू भी आप इसको सेव ऑन कर सकते हैं, जिससे कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है।
ये चीज़ यहाँ पर काम की है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है कि हमें कोई फोटो या वीडियो किसी को भेजना है, हम व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहते, हम उसको ऐसे लिंक बना के भेजना चाहते हैं, तो आप इस लिंक से भेज दो, उस लिंक पे जाके वो एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर आप जितने मर्जी GB का भी डेटा हो आप भेज सकते हैं, बट आपकी वहाँ पर GB सैमसंग क्लाउड में पहले स्टोरेज जाएगी, फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक्सेस कर पाएगा। इसमें एक चीज़ और, अब आपको यहाँ जाना है सेटिंग पे, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है क्यूक, आपको यहाँ पर सर्च मार लेना है क्यूक, ठीक है। क्यूक शेयर सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको क्यूक शेयर सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर लिंक शेयरिंग की हिस्ट्री को देख सकते हैं कि आपने कितनी बार लिंक शेयर करा है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कितनी बार रिसीव करा या सेंड करा, आपको एक ही बार में यहाँ सब मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप इस लिंक पर क्लिक करके उसको कॉपी लिंक कर सकते हैं, अगर लिंक आपसे कहीं हट गया है तो आप दोबारा कॉपी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं, QR कोड भेज सकते हैं, और सबसे ज़रूरी स्टॉप शेयरिंग भी कर सकते हैं, ताकि कि हमने जिसको भेजा है उसके बाद वो एक बार या दो बार जितनी बार आपने भेजा उतनी बार एक्सेस कर ले, उसके बाद वो लिंक ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। देख रहे होंगे जैसे ही मैंने स्टॉप करा वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में चला गया है, मतलब कि अब उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत ही कमाल का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर पूरी मिल जाएगी, आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 GB तक का डेटा सेंड कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 2.8 GB से लेकर 5 GB तक का आप डेटा सेंड कर सकते हैं। आप इसको सेट कर सकते हैं कि वाईफाई ओनली पे ही सेंड करें या आपके डेटा को सेंड करें। और यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगी, ऑटो डिलीट करने का ऑप्शन, ऑटो डिलीट एक्सपायर्ड फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बट आज के अपडेट में यही था क्यूक शेयर में, कि आप यहाँ पर लिंक बना के शेयर कर पाएंगे बहुत ही इजीली। दोस्तों यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे जल्द से जल्द 20K कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।